बुधवार 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना के परिणाम आ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से मशहूर फिल्म एक्टर कंगना रनौत ने जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विक्रमादित्य सिंह को लगभग 74,755 वोट से हराया है। लेकिन आपको बता दें, कंगना की जीत को लेकर खरगोन के प्रसिद्ध ज्योतिषी डॉक्टर बसंत सोनी ने 3 महीने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। आपको बता दें कि बॉलीवुड की शेरनी कही जाने वाली कंगना रनौत के बारे में ज्योतिषी ने एक नहीं बल्कि 2 बार भविष्यवाणी की है। खास बात यह है कि दोनों ही बार भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक बैठी। चुनाव जीतने के बाद फिल्मी दुनिया में तहलका मचाने वाली कंगना का राजनीतिक करियर अब आगे कैसा रहेगा, चलिए ज्योतिषी से यह भी जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले आपको वो भविष्यवाणियाँ सुना देते हैं जो ज्योतिषी ने की थी। दीपक जी, मैंने कंगना रनौत जी की 2 बार भविष्यवाणी की है। पहली भविष्यवाणी 20 सितंबर 2020 को मैंने राजनीतिक क्षेत्र में आने की भविष्यवाणी की थी। उसके पश्चात इनको टिकट मिला 25 मार्च को। 25 मार्च के बाद 27 मार्च को मैंने फिर भविष्यवाणी की थी कि राजनीतिक क्षेत्र में आने के पश्चात इनको मंडी क्षेत्र से चुनाव का टिकट मिला। और चुनाव टिकट मिलने के पश्चात मैंने भविष्यवाणी की थी कि ये चुनाव जीतेगी, और ये आज चुनाव परिणाम हमारे सामने हैं और ये राजनीतिक क्षेत्र के अंदर चुनाव जीतने के पश्चात अच्छे पद पे पहुंचने के योग भी इनके बनते हैं, जो आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा। राजनीतिक करियर कंगना रनौत जी का बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मिथुन लग्न की इनकी पत्रिका है। मंगल की महादशा में मंगल के प्रत्यंतर के अंतिम दिन इनको टिकट मिला है, उसी को देखते हुए मैंने इनके जीत की भविष्यवाणी की थी। अब इनकी कुंडली को हम देखते हैं तो गज केसरी योग, वाशी योग और चक्रवर्ती राजयोग इनकी कुंडली में बनता है। इन सब शुभ योग को देखते हुए भविष्य में इनको उच्च पद प्राप्त करने के प्रबल योग बनते हैं। मैंने इसके पहले अभी तक जितने भी भविष्यवाणी की है लगभग सब सही साबित हुई है। सबसे प्रथम मैंने 2007 में नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री बनने के योग की भविष्यवाणी की थी कि 2014 में वो प्रधानमंत्री बनेंगे, और 2007 में मुख्यमंत्री बनने का प्रबल योग बनता है। उस समय पूरे देश में गुजरात में गोधरा कांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी के हारने की पूरी संभावना थी, लेकिन मैंने एक भविष्यवाणी की थी कि एक महिला इनको चुनाव जिताएगी। वैसा ही हुआ। इनको एक महिला सोनिया गांधी जी ने इनको मौत का सौदागर कहा। उस समय पूरे गुजरात की जनता नाराज हुई और एक तरफा मोदी जी को सपोर्ट किया। उसके पश्चात उसी समय मैंने 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी, वो भी सही साबित हुई। इसके पश्चात दूसरी भविष्यवाणी मैंने मध्य प्रदेश सरकार की थी, जब कमलनाथ जी ने शपथ ग्रहण किया था। मैंने कहा था कि 13 महीने सरकार नहीं चलेगी और सरकार गिर जाएगी और पुनः भाजपा की सरकार बनेगी। वह भी भविष्यवाणी मेरी पूर्ण रूप से सत्य साबित हुई है। आपको बता दें कि डॉक्टर बसंत सोनी मध्य प्रदेश के खरगोन के रहने वाले हैं और 2003 से वे ज्योतिष विद्या से जुड़े हुए हैं। उनके द्वारा की गई सभी भविष्यवाणियां अब तक सही साबित हुई है। देश के निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2007 में फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री बनने और 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी भी डॉक्टर बसंत सोनी ने ही पहली बार की थी, और ये दोनों ही भविष्यवाणियां उनकी बिल्कुल सही साबित हुई है। लोकल 18 के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।